बिग बॉस के 13वें सीजन के शुरू होने से पहले से ही हम आपको सारी खबरों से अपडेट रखते हुए आ रहे हैं और अब भी हम आपको घर की हर एक खबर बताते हैं, ना सिर्फ घर की बल्कि घर के बाहर की भी खबरों से आपको रोज रूबरू करवाते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजाना टॉप 5 खबरें जो आपको एपिसोड के आने से पहले ही अपडेट करती हैं और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा खबरें भी बताती हैं बिग बॉस सीजन 13 के बारे में। तो अब एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं वही टॉप 5 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं एक बार इन खबरों के बारे में। तो बिग बॉस सीजन 13 से रिलेटेड जो पहली खबर सामने आ रही है वो है शो के बैन होने को लेकर। लगातार शो को बैन करने की मांग की जा रही है और इसे लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र तक लिखा गया है और अब इसे लेकर गवर्नमेंट के सोर्सेज से ये खबर मिली है कि अब तक बिग बॉस सीजन 13 को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें ये पाया गया है कि उन्होंने डिसेंसी की लाइंस को क्रॉस किया है, जो किस तरीके से टेलीविजन पर दिखाया जाना गलत है और इस तरीके से वो इस शो को बैन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये शो प्रतियोगियों के बीच में नकारात्मक कंपटीशन को लेकर आ रहा है। इसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो है डबल इविक्शन को लेकर। जी हाँ, फैंस एक साथ डबल इविक्शन से नाराज नजर आ रहे हैं और सभी को ये लग रहा है कि मेकर्स ने ये जो फैसला लिया है ये बहुत ही अनफेयर है। उन दोनों को चारों नॉमिनेटेड लड़कियों में से सबसे कम वोट्स मिले तो वो घर से बेघर हो गई और जैसा कि शो का कॉन्सेप्ट है कि 4 वीक्स में फिनाले और फिनाले में जाएंगे सिर्फ 6 हाउसमेट, यानी कि 3 लड़के और 3 लड़कियां, यानी कि अगले आने वाले 2 हफ्तों में 5 लोग और घर से बेघर होने वाले हैं। तो इससे दर्शक थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो अगली खबर सामने आ रही है वो है रश्मि देसाई को लेकर। रश्मि देसाई और कोयना मित्रा दोनों लास्ट में बचे थे और रश्मि को लास्ट तक रखने की वजह ये थी कि रश्मि का गेम उस तरीके से चल नहीं रहा है जैसे उन्हें खेलना चाहिए था और उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि वो किसी भी वक्त एलिमिनेट हो सकती है, इसलिए उन्हें डेंजर जोन में रखा गया था। मेकर्स ने उन्हें कॉलर क्वेश्चन के साथ भी गेम को अच्छी तरीके से खेलने और अपना गेम स्टार्ट करने का हिंट दिया और साथ ही भी एहसास दिलाया गया कि शहनाज को नॉर्थ इंडिया से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और वो पहली कंटेस्टेंट है जो कि एलिमिनेशन में सेफ रही, वो भी सबसे ज्यादा वोट के साथ। इसके बाद अगली खबर आ रही है बिग बॉस के घर से। जी हाँ, बिग बॉस के घर में देवोलीना और शेफाली बग्गा के बीच में हो गई है फिजिकल फाइट। इन दोनों के बीच में हो गई है हाथापाई जहाँ पर देवोलीना शेफाली पर हावी होती हुई नजर आई। उन्होंने शेफाली को पूरी तरीके से जकड़ लिया। दरअसल बीवी बैंक टास्क के दौरान पैसों को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि देवोलीना चोरी करके पैसे लाती है और अपने लॉकर में रख लेती है और शेफाली नीचे गिरे हुए रुपए उठाती है लेकिन देवोलीना उन्हें जकड़ लेती है। ना सिर्फ देवोलीना बल्कि माहिरा और रश्मि भी, और तीनों ही उन्हें वो पैसे ले जाने नहीं देती है। लेकिन बाद में डंबल को लेकर भी वो दोनों लड़ती हुई नजर आती है। शेफाली की गर्दन को जकड़ लेती हैं देवोलीना और शेफाली उनसे कहती हैं कि अब तू मुझे छोड़ दो वरना ये डंबल तुम्हारे पैर पे गिरा दूंगी मैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती हैं और दोनों के बीच की लड़ाई जारी रहती है। इसके बाद अगली खबर एक झगड़े को ही लेकर है। आरती और रश्मि भी फिजिकल हो गई, एक दूसरे से लड़ती हुई नजर आई, एक दूसरे को जकड़ती हुई नजर आई एक डंबल के लिए। तो दोस्तों ये हैं आज की टॉप 5 खबरें जो आप कभी कभार टीवी की स्क्रीन पर मिस कर जाते हैं और कुछ ऐसी खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलती हैं, जो सिर्फ यही मिलती हैं। इसी तरह से आपको रोजाना टॉप 5 खबरें रात 8 बजे देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।